सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 4.0। लेकिन उसके पहले हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं। दैट इज ऑर्डर रिलेशन बिटवीन टू रेशियो। ऑर्डर रिलेशन बिटवीन टू रेशियो में क्या बताए, कंसिडर टू रेशियो है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। कौन से दो रेशियो है? ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। अगर इफ ए इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इंटू डी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी, ए इंटू डी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी, देन ए अपॉन बी ग्रेटर देन सी अपॉन डी। क्या बताए कि इनको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इंटू डी इज ग्रेटर देन बी इंटू सी, देन ए अपॉन बी मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड में उसके अपोजिट है, अगर ए इंटू डी इज लेस देन बी इंटू सी, देन ए अपॉन बी लेस देन सी अपॉन डी। और थर्ड में क्या है कि दोनों अगर इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर इक्वल आता है तो दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। ये क्या है, ऑर्डर रिलेशन बिटवीन टू रेशियो। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, के प्रॉपर्टी। मतलब क्या कि ये जो एक रेशियो है ए अपॉन बी, बी में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर में ए में भी मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर ए में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से में बी में मल्टीप्लाई हो करना होगा। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, डिनोमीटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमीटर सेम करना होता है। ओके, तो जिस नंबर से हम लोग बी में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से ए में मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज कॉल्ड के प्रॉपर्टी। और उसके ऊपर हमारा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, 5/7 इज इक्वल टू डैश अपॉन 28, 35 अपॉन डैश एंड डैश अपॉन 3.5। ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर वन में दिया है। अब यहाँ के नंबर हमें ढूंढ निकालने, राइट। रेशियो क्या है, 5:7। रेशियो क्या है, 5:7। अब ये सारे रेशियो सेम होंगे, अगर लोवेस्ट फॉर्म में क्या थे, सारे रेशो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब डिनोमेटर में यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से यहाँ पर भी किया होगा, राइट। तो कैसे ढूंढ निकालोगे, 7 से 28 को डिवाइड करो, 7 से 28 को डिवाइड करो, क्या आंसर रहेगा, 7 × 4 = 28। क्या है, 7 × 4 = 28। मतलब 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 4 से, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, देन 5 × 4 = 20। क्या आएगा, 5 × 4 = 20। समझ में। अब यहाँ पे देखो 35, अगर 5 से 35 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 7। मतलब 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 7 से, तो 7 के भी 7 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 49। 7 × 7 = 49। अब यहाँ पे 3.5 है, 3.5 में जो पॉइंट है उसको क्या करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं। पॉइंट को इग्नोर किया तो क्या हो जाएगा, 35। 7 × 5 = 35, मतलब 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25। यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पर भी एक डेसिमल दिया, तो आंसर आया 2.5। क्या आंसर आया, 2.5। सेकेंड क्वेश्चन में सेम ऐसे ही देखो, 9/14, 4.5/- इज इक्वल टू डैश अपॉन 42 इज इक्वल टू डैश अपॉन 3.5। अब यहाँ पे 9 × 4.5, अगर हम लोग ने इसको इग्नोर किया, जो डेसिमल है डेसिमल को इग्नोर किया, तो 9 × 5 = क्या आएगा, वेरी गुड, 9 × 5 = 45। अब 14 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 14 × 5 = 70। 70 के ऊपर डेसिमल दिया तो आंसर क्या आएगा, 7। यहाँ पर क्या 4.5 है ना, मतलब यहाँ पे 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हाफ से, तो 9 का हाफ आया 4.5, तो 14 का क्या आएगा, 7। 14 × 3 = 42। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 9 × 3 = 27। क्या आएगा, 9 × 3 = 27। समझ में ना, यहाँ पे देखो 14 × 3 = 42, तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो विल गेट 27। यहाँ पर देखो 3.5 और 14, जब 14 से 3.5 को एक लोग 35 को डिवाइड कर गए तो विल गेट 0.25। मतलब क्या कि 1/4 है, 3.4 क्या है, 1/4। मतलब 14 को अगर तुम लोगों ने 1/4 से
अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 3.5। क्या आंसर रहेगा? 3.5। और 9 को अगर 1.4 से करोगे तो यू विल गेट 2.25। ओके, रफ में मैं तुम्हें करके बता दूँ, बाद में उसको कट कर देना। सी 14 × 1 = 4। ओके, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, डेसिमल 2 बचेंगे, 0 लिया, 5 = 14, राइट? आया 3.5। अब देखो 9 × 1 / 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 1 बचेगा, 0 दिया, अगेन डेसिमल 4 × 2 = 8, फिर 2 बचेंगे, 4 × 5 = 20, आया 2.25। ओके, आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए, मतलब इन्फॉर्मेशन दिए, उससे हमें रेशियो लिखने है। फाइंड रेशियो, रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r/2πr, बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr, r कैंसल, क्या बचा? 1/2π, क्या बचा? 1/2π, देन रेशियो इज 1:2π। समझ में आया? द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का? 2πr, और एरिया का πr² पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, r स्क्वायर है, तो ऊपर का r कट हो गया और स्क्वायर में से एक कट हो गया, राइट? तो एक बचेगा, समझ में? तो बचेगा यहाँ पे 2/r, क्या बचा? 2/r, तो रेशियो क्या है? 2:r। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया, 2πr और πr² कैसे कट हो गया? ध्यान दो यहाँ पे, देखो 2πr/πr² मीन्स r × r, राइट? पाई पाई कैंसिल, r कैंसिल, तो क्या बचा? 2/r, क्लियर? ओके, राइट डाउन। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 cm, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू साइड विथ cm, डायगोनल ऑफ रेशियो अपॉन साइड, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का ये क्या है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन साइड, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है √2 × साइड डिवाइड बाय साइड, अब साइड कितना है? 7, सो √2 × 7 डिवाइड बाय 7, 7 कैंसल, आंसर इज √2/1, क्या है? √2/1 इज इक्वल टू √2:1, समझ में आया? क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड साइड, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? √2 × साइड, ओके, डिवाइड बाय साइड, रेशियो निकालना है ना, सो √2 × 7 डिवाइड बाय 7, 7 कैंसल, क्या बचा? √2/1, एंड दैट इज रेशियो। अब देखो रेक्टेंगल है जिसके साइड्स है 5 and 3.5, लेंथ है 5 एंड ब्रेथ है 3.5, रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया, क्या कौन सा रेशियो निकालना है? रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का? 2l + b, और एरिया का l × b, 2 × 5 + 3.5 डिवाइड बाय 5 × 3.5, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 17 में डायरेक्ट लिखा 5 + 3.5 = 8.5 × 2 = 17, 3.5 × 3.5 = 17.5, ओके। सो अब यहाँ पे डेसिमल निकला, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 170 divided by 175, सो 34 × 5, 35 × 5, 5 कैंसल, आंसर इज 34 divided by 35, एंड रेशियो इज 34:35, ओके, आया समझ में? लिख लो